स्टाफ का लोग बहुत ही ज़्यादा है और बंद कर देंगे सर। तो गाइस आप करोड़ देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा करोड़ है, ये देख लो गाइस। तो गाइस देख सकते हो ये सारा 60 रुपीज का स्टॉक है, मतलब फाइनली हम देखो स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन पकड़ पाते हैं नहीं पाते ये देखते हैं फिलहाल। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर के व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सब अच्छे से होंगे। तो भाई तुम्हारा भी मस्त, अभी सुबह 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 के 8 बज रहे हैं एंड भाई तुम्हारा ओके तैयार हो गया है एंड हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर। एंड गाइस आज ना जो मेरे साथ है जियान एंड अलीना एंड इंशा एंड डी आ रही है, ठीक है, हम सब जा रहे हैं श्रीनगर। तो हम क्यों जा रहे हैं व्लॉग में आगे बता देंगे। तो गाइस जो भी चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करो, लेकिन लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना। सो गाइस अभी हम कुछ टाइम के बाद यहाँ से निकलते हैं, अभी हम तैयार हो गए हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो भाई लोग फाइनली हम कुछ ऐसी जगह पर पूछे हैं अभी रोड में पूछ के एंड अब यहाँ पे हमें गाड़ी का वेट करना है क्योंकि हम जो है यहाँ से बनिहाल तक सोमो या मेटाडोर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ से बाई ट्रेन जाएंगे। तो गाइस फाइनली गाड़ी का बहुत वेट करने के बाद हमें गाड़ी भी मिल गई, हम चलते हैं हम गाड़ी पे। अब गाइस फाइनली हमें मेटाडोर भी मिल गई, हम मकरकोट तक जाएंगे एंड उसके बाद तो अब देखते हैं यहाँ से सोमो में निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे सोमो में बैठते हैं, हम यहाँ से बनिहाल के जा रहे हैं थोड़ा। तो गाइस अभी हम बनिहाल के निकल रहे हैं, आप मिलते हैं आपसे बनिहाल में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए रेलवे स्टेशन बनिहाल में एंड अब हम इंक्वायरी करते हैं कि ट्रेन कितने बजे की, हमें यहाँ से श्रीनगर को जाना है। तो यहाँ तक का सफ़र तो एकदम सही रहा है, हमें जाना है लाल चौक, तो वो हमें नौगांव रेलवे स्टेशन से जाना होगा एंड आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है, ये देख लीजिए, ये यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू है आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जम्मू रामन वगैरह के लिए आपको ट्वेरा वगैरह टेम्पो ट्वेरा वगैरह ईजी से मिल जाएंगे। तो गाइस ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, अभी हम अंदर जाते हैं इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं ट्रेन कितने बजे की है। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन में बनिहाल रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं और अभी जो ट्रेन है वो नौजुंजा के वेट कर रहे हैं। ये जियान बहुत खुश लग रहा है। तो गाइस अभी देखते हैं ट्रेन कितने टाइम तक आएगी। तो गाइस ट्रेन भी आ गई है, जैसे आपको दिख रहा होगा वो ट्रेन आ गई है एंड अभी से ही संघर्ष शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है एंड अभी आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पे सीट के लिए। सो अभी ट्रेन आ रही है एंड आपको दिख रहा होगा लोग बहुत ही ज़्यादा है और बंद कर देंगे सर। उतरते हैं ट्रेन से, ये हम उतर रहे हैं उतर रहे हैं उतर रहे हैं और हम उतर गए ये यहाँ पे। तो भाई लोग हम यहाँ से नौगांव रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं एंड अब ये हमने यहाँ से जाना है लाल चौक के लिए। आज आपको हम दिखाते हैं संडे मार्केट यहाँ की, ठीक है, जो लाल चौक में मार्केट है सबसे सस्ती मार्केट है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली हमें यहाँ पे गाड़ी भी मिल गई एंड ये अपने उस्ताद जी हैं, ठीक है। हेलो, निकलते हैं। तो
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, यहाँ पर इनसे हम प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं। भैया किस तरह? हाँ जी सर, किस तरह? भैया भैया कितने अच्छे अच्छे पीस 200 पीस मिल जाएंगे ना ये देखो, बहुत प्यारे प्यारे पीस है 200 पीस पर पीस 200 कितना अच्छा फ्रॉक है ये देखो। इनसे पूछ सकते हैं भैया जैकेट कितने का? अलग अलग प्राइस रहेगा ओके। तो भाई यहाँ पे देख लो आपको बहुत ही सस्ते में सारा कुछ मिल जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं खैर में यहाँ पे इनसे पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, क्या प्राइस है? प्राइस अलग अलग है, 450 450 सर। जो आपके पास एक्स्ट्रा कितना प्राइस है इस पीस का? प्राइस 450। ये फैटन का कपड़ा है? तो गाइस देख सकते हो ये सारा 60 रुपीज़ का स्टॉक है, मतलब करोड़ देख लो ना, कितना करोड़ है ना, परेशान हो जाओगे देख के भाई, इतना ज़्यादा करोड़ है ना यहाँ पर। भैया किस तरह पीस है? 150। ये देखो 150 का पीस मिलेगा और हर एक पीस एक से बढ़कर एक पीस मिलेगा आपको भाई, मानना पड़ेगा बहुत से मार्केट लगे हुए हैं। कभी शूज़ का देख लेते हैं, शायद ये सेकंड हैंड शूज़ है। यहाँ पे ब्रांडेड शूज़ आपको सारे मिलेंगे। भैया किस तरह? 600 ये 600 पीस है। ये देखो वुडलैंड का ओरिजिनल पीस मिलेगा आपको, ओनली 600 रुपीज में मिलेगा गाइस। कितना पीस है? 500 में कितने प्यारे प्यारे पीस मिल रहे हैं गाइस, बहुत ही प्यारे पीस मिल रहे हैं। हाँ जी सर, भैया किस तरह पीस है? 300 रुपये में बहुत ही बढ़िया पीस मिल रहा है। 300 रुपये। आप करोड़ देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा करोड़ है, ये देख लो गाइस बहुत ही ज़्यादा गाइस। ये देखो 200 पीस। ये किस तरह अभी स्टॉल किस तरह? किस तरह? तो गाइस ये देख सकते हैं आप मेरे सामने जितनी भी है ये यहाँ पे, आज यहाँ पे संडे के दिन मार्केट लगी हुई है, मतलब करोड़ देख लो ना, इतना ज़्यादा करोड़ है ना कि बंदा परेशान हो जाता है भाई। ये पूरा नॉर्मली 2 से 4 किलोमीटर का एरिया आता है, इसमें सिर्फ यही सेल लगी हुई है। तो गाइस अभी हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ से वापस निकले। तो गाइस फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं एंड गाइस अब हम मिलते हैं आपसे रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि कि हमें हो गया बहुत ही ज़्यादा लेट। तो गाइस एक्चुअली हमें लेट हो गया, तो अभी हम ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा में, देखते हैं टाइम। टोटल 7 मिनट बचे हैं हमारे पास, हम ट्रेन पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, एंड ऑटो वाले भैया भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट चला रहे हैं, तो देखते हैं हमारी किस्मत में क्या रहता है। तो गाइस फाइनली हम देख लो स्टेशन पहुंच गया, ट्रेन पकड़ पाते हैं नहीं पाते हैं ये देखते हैं फिलहाल। गाइस बहुत दौड़ना पड़ रहा है, अभी मेरे को लग गया ट्रेन निकल पड़ी। हाँ चला ये, अब जाओ वापस, बात तो टाइम वेस्ट मत करो जाओ। तो गाइस अपने साथ सीन हो गया, ट्रेन छोड़ गई वो भी 1 मिनट से, फाइनली ट्रेन तो छोड़ गई, अब यहाँ से हम टेरा या सोमो में नहा लाएंगे, तो सीन हो गया हमारे साथ, अब देखते हैं क्या होता है, निकलना तो है। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तो तब तक ले बाय, टेक केयर। एंड ये देख लो कितना मायूस सा चेहरा हो गया इसका भी, और जियान क्या हो गया, हाँ ट्रेन छोड़ गई। तो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टेरा में जा रहे हैं अपने आने के लिए, एक्चुअली ट्रेन छोड़ गई थी, और ये जियान जियान बाबू क्या हो रहा है, हाँ तो अभी देखते हैं बनाल कितने टाइम में पूछते हैं, फिर हम वहाँ पर भी लेट ही हो जाएगा हमें, तो वहाँ से देखते हैं गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे बनिहाल में, तो तब तक ले बाय टेक केयर। तो गाइस आज ये सीन हो गया कि हमारी ट्रेन छूट गई थी, तो हम वहाँ से टेरा में आए,
एंजल यहाँ पूछे, देखा कि यहाँ पे ट्रेन ही नहीं आई थी इस रेलवे स्टेशन पे। वो ट्रेन मतलब तेरह से बहुत ही ज़्यादा लेट थी, नॉर्मली भी 15 से 20 मिनट उससे ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो अभी ट्रेन पूछे, अभी यहाँ पे सवारियाँ वगैरह आ रही है तो हम भी यहाँ से निकल गए। तो गाइस फाइनली यहाँ हमें गाड़ी मिल गई, अभी हम यहाँ से मगरकोट जा रहे हैं। तो अभी हम टेम्पो में जा रहे हैं, तो अभी मगरकोट पूछने के बाद फिर से हमें गाड़ी देखनी पड़ेगी। नहीं तो 1-1.5 किलोमीटर है, अगर नहीं भी मिली तो फिर भी बंदा एडजस्ट कर सकता है, पैदल जा सकता है। मिलते हैं आपसे मगरकोट में। तो गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच गया और हम सब वैसे घर पे पहुंच गए। एंड यहाँ पे अभी लाइट नहीं है, तो फ़ोन की टॉर्च ऑन करी हुई है मैंने। तो भाई लोग आज का सफ़र ना हमारा बहुत ही अच्छा रहा, वैसे ट्रेन मिस होगी एंड थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बाकी सब बढ़िया था। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, एंड अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दो, बस लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना। एंड गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो भी चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस मिलते हैं आपसे फिर से किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, खुश रहे मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं ऑलवेज दुआ करते रहता हूँ, सो गाइस दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।